नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दोस्त आपका होस्ट देव धेमन आपके लिए लेकर आया है बॉलीवुड की एक और सेलिब्रिटी जिनका नाम है राजकुमार कनौजिया। ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और साथ में एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन भी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान राजकुमार कनौजिया जी से। नमस्कार राजकुमार जी। जी, हमारे शो टेढ़ी मेढ़ी बातों में आपका स्वागत है। टेढ़ी मेढ़ी बातों में मेरा आपसे एकदम सीधा सवाल, हमने सुना है कि आपके पिताजी 28 साल तक कतर के एक राजा के पास नौकरी कर रहे हैं। जी, तो जैसा कि ट्रेंड चलता है कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में आए, अंबानी के बेटों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप भी अपने पिता की ट्रेंड है उसको आगे बढ़ाएं और आप भी कतर में जाकर उस राजा के पास काम करें? देखिए, तब जब पापा मेरे वहां थे ऑफर तो जरूर आया था, लेकिन मेरा मानना है जो देश हमारी माँ की तरह होता है, तो मेरा मानना है जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं, तो इसीलिए बेहतर है हम में जो भी ऊर्जा है जो भी स्किल्स है वो हम यहीं इस्तेमाल करें, यहीं उसका सदुपयोग करें बनिस्पत इसके कि यहाँ वहाँ हम डगमगाए। क्या बात कही है सर आपने। तो देखा दोस्तों, आपने हमारे राजकुमार जी का यही मानना है कि देश हमारी माँ के समान है और जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो फिर किसका होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने टेढ़ी मेढ़ी बातों के अगले सेगमेंट पर जिसका नाम है टेढ़े मेढ़े सवाल। टेढ़े मेढ़े सवालों में मेरा जो पहला सवाल आपसे, आपने द वाइजेस्ट फूल ऑन अर्थ मोनोलॉग किया था और वहां पर कुछ डायरेक्टर्स भी आए थे जिन्होंने आपके उस परफॉर्मेंस को देखा, तो क्या वाकई में वो डायरेक्टर वाइजेस्ट फूल ही देख रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं 4 भाषाओं में सक्रिय था रंगमंच में, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती शुमार है, और ये जो नाटक था ये मोनोलॉग था, द वाइसेस्ट फूल ऑन अर्थ। तो ये इसका मंचन मैंने पृथ्वी थिएटर में किया था जो कि बहुत बहुचर्चित हुआ था, और यही एक नाटक ऐसा है जिसकी वजह से मैंने स्क्रीन पहली मरतबा फेस किया था इंटरव्यू देते समय, और तब मेरा इंटरव्यू लिया था संजना कपूर ने। अमूल इंडिया शो नाम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आया करता था, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, पहली मरतबा मैंने कैमरा फेस किया था, और यही वो नाटक है जिसकी वजह से पहली बार मैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आया, मेरे बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और फिर इसी नाटक के थ्रू मैंने फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। मतलब आप तभी से वाइजेस्ट फूल बनकर हमारी ऑडियंस को हंसाते जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। कहाँ हो तुम, ये आपकी पहली फिल्म थी जिससे आपको ब्रेक मिला। देखिए, उसमें सोनू सूद जी भी लॉन्च हुए थे, हमें पता है वो अभी कहाँ है, शर्मन जोशी जी भी लॉन्च हुए थे, वो कहाँ है वो भी हमें पता है, उनके अलावा इशिता अरुण जो गीला अरुण की बेटी है वो भी हमें पता है, आप कहाँ है? देखिए, जैसे फिल्म का टाइटल था कहाँ हो तुम, तो वैसे हम सब कहाँ जहाँ तहाँ होते हैं, तो उसके पीछे कुछ कुछ वजह होती है। जैसे अगर आप मुझ पर आए, तो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में कोई माँ बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, और हम ही को संभलना है, गिर करके हम ही को सब कुछ चलना है, तो सोच समझ कर कदम रखना है, और दुर्भाग्यवश हमारे बॉलीवुड में कदकाठी रंग रूप बहुत मायने रखता है, उसी के आधार पर हम विक्टिम होते आए हैं अब तक, जैसा चाहिए वैसा नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तो कर्म किए जा रहा हूँ, और बाकी हमें पता है मैं कहाँ हूँ, तो और जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ, तो ये मायने रखता है। सो अल्टीमेटली हैप्पीनेस शुड बी द की एक्चुअली। तो सर, मेरा अब टेढ़ी मेढ़ी बातों में आपका तीसरा सवाल, और ये सवाल बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है। सलमान खान के साथ आपने 8 फिल्में की है, सैफ अली खान के साथ 3 फिल्में की है, उसके अलावा आपने एसआरके के साथ भी फिल्में की, तो आपने आमिर खान की फिल्म क्यों रिजेक्ट कर दी? नहीं, मैंने रिजेक्ट नहीं किया, ऐसा कोई मौका नहीं आया, मैं गजनी में काम करता करता रह गया, तो ऐसे अवसर होते हैं, और ये देखिए मेरा मानना है वन शुड टेक एवरीथिंग ग्रेसफुली कम वॉट में, और मेरा एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है मेरे अंदर और धैर्य है, तो इट्स ओके। देखिए, हमें तो हमेशा गतिशील रहना चाहिए, बाकी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। तो देखा दोस्तों आपने,
कैसे नरम और गरम की हवाओं के थपेड़ों के साथ हमारे राजकुमार जी बॉलीवुड का सफर तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे। इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। राणा नायडू जो अभी लेटेस्ट आपका नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आया, हमने सुना उसमें आपने नेगेटिव कैरेक्टर किया, तो सर क्या कॉमेडी से आपके घर की ईएमआई नहीं जा रही थी? देखिए क्या होता है, हम एक चूंकि हम एक कलाकार है तो मेरा मानना है कलाकार के नाते हमको वो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए जो कि मुनासिब हो एक कलाकार के लिए। और कलाकार कभी भी एन एक्टर शुड बी स्टीरियोटाइप्ड, उसको कभी टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए। एक्टर कुछ भी करना है, उसे कुछ भी करने को व्याकुल करना चाहिए इंडस्ट्री को। और एक एक्टर कभी भी कुछ भी कर सकता है, जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और नेटफ्लिक्स के राणा नायडू के माध्यम से मैंने दर्शाया मेरी चाहने वाले लोगों को कि मैं जैसे पॉजिटिव रोल कर सकता हूँ, कॉमेडी हंसा सकता हूँ, वैसे मैं नेगेटिव रोल भी बखूबी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे राजकुमार सर ने हमें ये चीज बताई है कि टाइपकास्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी आप एक कैरेक्टर में बन के आपको काम नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो आपका पॉजिटिव कैरेक्टर हो, नेगेटिव कैरेक्टर हो या कॉमेडी कैरेक्टर हो। कीप ट्राइंग सर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चाय की चुस्की। सर, चाय की चुस्की में मेरा आपसे पहला सवाल, और ये हमारे ऑडियंस भी जानना चाहती है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हॉलीवुड में हमने सुना है कि आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। हाँ, देखिए सबसे पहले तो आपके माध्यम में दर्शकों को बता दूं, मैंने 5 इंटरनेशनल फिल्में की है जिसमें फ्रेंच है, जर्मन है और हॉलीवुड की 2 फिल्म है। तो वो इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि मैं कोई फिल्म कर रहा था हॉलीवुड की, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो हमारी प्रोड्यूसर साहब थे डाना ऑफनबाख, जो कि वहाँ बहुचर्चित नाम है, तो मुझे 2-2.5 घंटे पहले बुला लिया गया अपने शॉट देने के लिए। तो फिर बाद में वो आई मेरे पास और बोली कि अरे आपके शॉट को तो अभी बहुत समय है, बहुत टाइम है, आप अभी कैसे आ गए, ऐसे कैसे टाइम है अभी? तो मैं गया, मुझे क्या पता, मुझे असिस्टेंट ने बोला चलो मैं आ गया, मेरा क्या, मैं तो होटल में अच्छे से बैठा था। तो वो तुरंत भड़क उठी, बहुत आग बबूला हो गई उस असिस्टेंट पर और उसे इमीजिएटली निकाला गया कि ऐसे कैसे आप हमारे आर्टिस्ट को पहले लाते हो, उनको टाइम है भी, हमारे आर्टिस्ट के साथ 2-2.5 घंटे में कुछ भी हो सकता है, अनर्थ, उसके कपड़े ख़राब हो सकते हैं, उसका पसीना आ सकता है, उसका मूड स्विंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ, तो ये गलत बात है, जब शॉट आ रहा है तभी बुलाया करो। तो फिर मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, हम लोग तो इसके आदि है, हमारे यहाँ तो बॉलीवुड में शूटिंग का हमको कम पैसे मिलते हैं, वेटिंग का ज़्यादा मिलता है और हम लोग वेट करते रहते अपने शॉट के। कई मरतबा अपने बातचीत में आपने भी बोला था कि हमको कहा जाता है आज शूट नहीं हो पाएगा, कल आइए, तो फिर बोला नहीं नहीं यहाँ ऐसा नहीं है, और उसे निकाला गया असिस्टेंट को, और फिर दोबारा दूसरे असिस्टेंट को लाया गया, और फिर मेरा शॉट, और मुझे बुला गया आप होटल जाइए आराम कीजिए, आपको बुलाया जाएगा आपके टाइम पर। सो दिस इज हाउ दे वर्क, दे फंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर, हमने सुना है कि आपने 450 से ज्यादा अभी तक टीवी सीरियल की है, और आपके साथ काम करने वाले ऑलमोस्ट सब रिटायर्ड हो गए, तो सर आपका क्या प्लान है, आप क्या गिनीज बुक में अपना नाम लिखाना चाहते हैं? देखिए अच्छा सवाल किया आपने, सबसे पहले तो सेंस ऑफ ह्यूमर दर्शाया आपने अपना, लेकिन ये बता दूं कि अफकोर्स अगर गिनेस बुक में नाम आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे, आई विल बी मोर देन हैप्पी, इवन यू विल बी हैप्पी। लेकिन जोक्स अपार्ट, मेरा मानना है कि एक्टर जब तक जिंदा हो तब तक काम करते रहना चाहिए, उसे सक्रिय रहना चाहिए और उसके लिए फिटनेस रहना चाहिए। और बाकी मेरा एक और सिद्धांत है कि करते चलो भूलते चलो, एक अंग्रेजी में कहावत है नेवर टू रेस्ट ऑन योर पास्ट लॉरेल्स, तो मैं बस अपना काम करता ही हूँ अगला काम कि मैं भूल जाऊँ पिछला काम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक के आप अपना पिछला अच्छा या बुरा काम भूलोगे नहीं, अपना आने वाला अगला अच्छा काम करोगे कैसे। तो अच्छा काम करने के लिए बुरा काम भूलना बहुत आवश्यक है, या कैसा भी काम। कहते हैं ना कि जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप एक नई चीज पे, नई चीज को और नए मुकाम पर आप नहीं पहुंच पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राजकुमार सर जी, हमने सुना है
कि आप एक रैप सॉन्ग कर रहे हैं, मतलब आप खुद गा रहे हैं उसमें। जी बिल्कुल। तो सर अभी जो मार्केट में रैपर चल रहे हैं वो क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं? देखिए, किसी को अच्छा बुरा कहलाने का मुझे कोई हक नहीं है, और सब लोग अपनी अपनी अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। और इसलिए चूंकि अभी ये एक प्रचलन है रैप सॉन्ग की, तो मैंने भी कुछ सोचा है। मैंने सोचा मुझे जब इतनी लैंग्वेज आती है, तो क्यों ना मैं सारे लैंग्वेज को सम्मिलित करते हुए एक सा बना करके उसे एक रैप का मैं एक रूप दूँ, आकार दूँ। जो मैंने कोशिश की है, मैं गाकर भी सुनाऊँ, कुछ पंक्तियाँ सुनाऊँ? बिल्कुल। हे यू कि तल्ला पैन तो जो नालो खोर आया मुझे नालो रचू आए घोर कपित को दाल में तेड़ को खपित तो मुके ना खप मुके निंदर अच्छे ते और आए सारो आए सरी इंगे बान नल्ला पर पाई गुरु को चना पो ए आई तू हंगा यो मक जवाल हान मक कोटा हान वक पानी पासन चा आई मीन टू से माय नेम इज राजू राजू बन के जेंटलमैन 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 तू रूप की रानी में चोरो कर आ जा जा आ जा प्यास बुझा जा 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 इस तरह से है। क्या बात है सर, वेरी नाइस। दोस्तों सुना आपने ये रैप सॉन्ग? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब हमें भी इतनी सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि हम ये रैप सॉन्ग को अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। बिकॉज सर मुझे तो जेन्युइनली मुझे इतनी लैंग्वेजेस नहीं आती है। चलिए सर इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। सर हमने सुना कि आपका कपूर खानदान के साथ कोई कनेक्शन है। जी जी बिल्कुल, लेकिन वैसा कुछ वैसा नहीं है जैसे कि जिस हिसाब से आप प्रश्न बोल रहे हो। नहीं, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है सर, बिल्कुल जेन्युइनली आपको बताना पड़ेगा। और मैं जेन्युइन बताऊंगा। जी हाँ बिल्कुल, कपूर खानदान से बहुत ही अनोखा और खूबसूरत कनेक्शन है। और वो ये कि मैं 6 कपूर्स के साथ काम कर चुका हूँ, सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। शशि कपूर साहब, ऋषि कपूर साहब, मेरा एक ऐड है ऋषि कपूर साहब के साथ कप सेंड, फिर कुणाल कपूर साहब जो शशि कपूर के बेटे हैं उनके निर्देशन में काम किया है, फिर संजना कपूर उनके साथ थिएटर किया है, फिर करीना कपूर के साथ पेप्सी का ऐड किया था, फिर रणबीर कपूर के साथ बेशरम फिल्म में काम किया था। तो ऐसे 6 कपूर के साथ काम कर चुका हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, ये है इनका सीक्रेट कनेक्शन कपूर खानदान। और हाँ, उनके आरके स्टूडियो में भी शूटिंग कर चुका हूँ। और देखिए मेरा किस्मत देखिए, अभी तो स्टूडियो नहीं रहा, और बिल्कुल स्टूडियो टूटने के कुछ रोज पहले ही मैंने वहां शूटिंग एक ऐड किया था, ऐड की शूट किए थे आरके स्टूडियो। बहुत खुश सर, बहुत खुश। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तड़के वाले सवाल। राजकुमार सर जी, टेढ़ी मेढ़ी बातों के हमारे इस सफर में ये हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है तड़के वाले सवाल। इसमें मैं आपसे तड़कते भड़कते सवाल पूछूंगा जिसमें दो ऑप्शन होंगे, आपको एक जवाब देना है। ठीक है सर, आपको हॉलीवुड ज्यादा पसंद है या बॉलीवुड? देखिए टू बी ऑनेस्ट, मेरा मानना है मुझे प्रैक्टिकलिटी पसंद है, और जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ हमें अच्छा काम करना लगता है। बिल्कुल किसी को भी अच्छा लगेगा काम करने को जहाँ अच्छे लोग हैं, या फिर यूं कहें तो हम अच्छे तो सब अच्छे। तो ऐसी जैसे साउथ की फिल्म, मैंने कुछ फिल्में तमिल फिल्में की है, दे आर सो वेरी प्रोफेशनल। इनफैक्ट राधा आई वुड से हॉलीवुड इज नॉट इवन एट पार विद देम, दे आर सो वेरी थर प्रोफेशनल्स। तो ऐसा है, जहाँ भी यहाँ भी कुछ कुछ लोग ऐसे काम किए हाल फिलहाल, जैसे नेटफ्लिक्स के राणा नायडू में जब मैंने काम किया, दे वर सो वेरी थर प्रोफेशनल्स। ऐसे लग ही नहीं रहता कि मतलब एकदम ऐसा रहता जैसे ऐसे आई एम वर्किंग इन वन ऑफ दोज हॉलीवुड सीरीज। तो दिस इज दैट्स वाज द डिफरेंट मैजिक राधा आई वुड से। यू मीन टू से कि ऑप्शंस आर हिडन? हाँ ना हॉलीवुड ना बॉलीवुड, हाँ जहाँ भी अच्छा काम करने को मिलता है, क्योंकि एक एक्टर के लिए सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे होते हैं, फिर चाहे वो OTT हो या थिएटर हो, सिनेमा हो या सीरीज हो, कुछ भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, तो कहीं भी हमें क्या मायने रखता है। ठीक है सर, तो अब इसके साथ हमारा अगला सवाल। हाँ सर, आपको कॉमेडी ज्यादा पसंद है या नेगेटिव कैरेक्टर? देखिए मैंने पहले भी कहा कि बीइंग एन एक्टर, जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है दिखाने को वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ आपके सवाल को मद्देनजर रखते हुए जब हम कोई नेगेटिव नकारात्मक कैरेक्टर करते हैं तो उसमें प्रतिभा हमें थोड़ा ज़्यादा दिखानी पड़ती है, स्कोप बहुत रहता है नेगेटिव कैरेक्टर में, बनिस्पत इसके कॉमेडी में इतना स्कोप नहीं जितना नेगेटिव में स्कोप है। सर आपको टीवी एड ज़्यादा पसंद है या फिल्में करना?
देखिए कमर्शियल्स, एड फिल्म्स की अगर मैं बात करूँ कमर्शियल्स की, तो जाहिर सी बात है कमर्शियल्स आपको ज़्यादा भी वी टेंड टू बिकम वेरी कंटेंट बिकॉज एक दो दिन की शूटिंग होती है और हम 30 सेकंड में 3 घंटे की फिल्म दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत क्रिप्स होता है सब कुछ, खट 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 खट, तो उसका बहुत इस तरह से डिजाइन होता है कि हम 30 सेकंड में 3 घंटे की कहानी सुनाते हैं, तो मज़ा यहाँ ज़्यादा आता है। सर टेढ़ी मेढ़ी बातों के इस तड़के वाले सवाल में मेरा आपसे एक और तड़का वाला सवाल है, सर आप बॉलीवुड में किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने पहले कहा था इंटरव्यू के में कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, कोई माए बाप नहीं है यहाँ पर, अपने से ही सेल्फ मेड कह सकते हैं, मुझे खुद ही कर रहा हूँ कोशिश, खुद ही यहाँ तक पहुँचा हूँ जैसे तैसे, तो जब मैं खुद ही पहुँचा तो मैं किसी को इसका मैं क्रेडिट नहीं दे सकता हूँ, और इसलिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ मैं अपने आप को क्रेडिट देना चाहूँगा। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे राजकुमार सर जो सेल्फ इंस्पायर्ड है वो किसी और को अपना इंस्पिरेशन नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने डाउन टू अर्थ जाकर इतना मेहनत किया है, अपना थिएटर में इतना काम किया है, फिल्मों में इतना काम किया है, अपने खुद के कॉन्टेक्ट डेवलप किए हैं बॉलीवुड में कि आज वो इस मुकाम पर बैठे हैं। राजकुमार सर मेरी आपसे शो के आखिरी में बस एक गुजारिश है जी, कि हमारी ऑडियंस जिनमें से काफी सारे हमारे श्रोता जो हैं वो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपको बॉलीवुड में आना है, अपनी किस्मत आजमाना है, या फिर एक्टिंग में आजमाना है किस्मत, कहीं भी हो बॉलीवुड ना कहीं भी, तो सबसे पहले तो आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, थिएटर है या पढ़ाई है, देखो मेरा मानना है ये बहुत गलत बात है कि अगर डॉक्टर बनते हैं तो MBBS करके आ जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग करके आ जाते हैं, और जो जो जिसको बनना है, साइंटिस्ट किसी को बनना है तो वो अपनी पढ़ाई करके आता है, तो मेरा मानना है ठीक ऐसे एक्टर को भी अपनी पढ़ाई करके आना चाहिए, और वो पढ़ाई में शामिल होता है उसकी मेहनत, उसका कर्म, उसका थिएटर, उसका अध्ययन, तो अध्ययनशील होना इसमें अनिवार्य है, तो आपको इससे कनेक्टेड, इससे रिलेटेड आपको किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे एक्टिंग को मैं कह दूँ ये बहुत कम लोगों को अध्याय का नॉलेज है कि भाई आप भरत मुनि को पढ़े, आप बटल प्रैट को पढ़े, विलियम शेक्सपियर को पढ़े, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़े, तो और वेस्टर्न सिनेमा, इधर के सिनेमा सबको देखे, परखे, समझे, और तब जाकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाकई आप काबिल हो भी या नहीं, और तब आप इस फील्ड में आए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा राजकुमार सर ने कैसे आने वाली जनरेशन को जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती है उन्हें एक प्यारा सा मैसेज दिया है, और मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि राजकुमार सर के मैसेज को आप प्लीज कंसिडर कीजिए, और जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, थिएटर कीजिए या दूसरे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक्टिंग की, वो सब कीजिए, उसके बाद में एक डिसीजन लीजिए कि आपको बॉलीवुड में करियर बनाना है या नहीं बनाना है। तो दोस्तों ये थे हमारे राजकुमार सर हमारे साथ आज टेढ़ी मेढ़ी बातों में, आपके होस्ट आपके दोस्त देव देवन के साथ। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए सेलिब्रिटी के साथ, और उनके साथ हम फिर से करेंगे टेढ़ी मेढ़ी बातें, और जिनका वो देंगे हमें जवाब। तो मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय। और हाय, हाय से कह रहा हूँ कि वाकई हाय देव भाई, देव देमन भाई के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देख करके, और मैं चाहता हूँ कि ये भी एक दिन इंटरव्यू ले लेते, खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत बन जाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, शाबाश। Thank you.